अगर समुद्र के नीचे 800 मीटर की गहराई में कोई पनडुब्बी जाती है तो वो इतनी बुरी तरह से तबाह हो जाएगी कि उसमें बैठा कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। लेकिन वहीं आज तक की सबसे गहरी जगह जहां तक इंसान जा पाए हैं वो चैलेंजर्स डीप है, जो लगभग 10,900 मीटर गहराई में मौजूद है, जहां से आज तक सिर्फ 8 लोग ही जिंदा वापस लौट पाए हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जहां समुद्र इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि धरती के लगभग 75% हिस्से पर सिर्फ ये नीला समुद्र मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में ऐसा तो क्या है जहां आज तक भी इंसान पहुंच नहीं पाया है? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आज भी इंसान समुद्र की गहराइयों से बहुत दूर है? ये तो हम सब जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ कई सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं ने जन्म लिया और फिर समय के साथ कई तरह की प्रजातियों का जन्म हुआ। इसका मतलब है कि समुद्र धरती पर जीवन का एक सबसे बड़ा कारण है, जहां करोड़ों तरह की प्रजातियों का जन्म हुआ था। आज तक भी इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाए हैं, और लगभग समुद्र आज भी कई रहस्यों का कारण बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा यहां कई रिसर्चेस की गई है, जिसकी वजह से इंसान एक हद तक समुद्र की गहराई में पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर्स डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है, जिसकी गहराई 10,900 मीटर से 11,000 मीटर है, जहां इंसान पहुंचने में कामयाब हो पाया है। ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहां तक कि चैलेंजर्स डीप में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां तक पहुंचना जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अब तक सिर्फ 8 लोग ही यहां तक पहुंचकर जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और वहां पर मौजूद जीवों का अंदाजा सिर्फ इस एक जगह से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र आज भी कई सवाल अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 मीटर की गहराई तक ही तैर सकता है, उससे आगे जाने पर उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है, और समुद्र में 1 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर तो इंसान को बहुत ही ताकतवर वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान के फेफड़े तक फट सकते हैं। लेकिन समुद्री जीवों के लिए ये प्रेशर जानलेवा नहीं होता, इसलिए समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर के दायरे में करोड़ों जलीय जीव निवास करते हैं। एक पनडुब्बी समुद्र के अंदर 750 मीटर की गहराई तक ही तैर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई में जाने पर यह पनडुब्बी भी बुरी तरह से तबाह हो सकती है। समुद्र में 800 मीटर की गहराई, ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, जहां बहुत से अजीब जीव भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर ज्वालामुखी भी मौजूद है, जिनमें विस्फोट भी होते हैं। और इसी तरह समुद्र में 11,000 मीटर तक की गहराई में जाने पर इंसान कुछ भी देख नहीं पाएगा, और यही वो जगह है जो चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है, जो इतना गहरा है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी इसके अंदर उल्टा करके लटका दिया जाए तो इसकी चोटी भी चैलेंजर डीप को छू नहीं पाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी रोबोट मशीनें बना ली हैं जो इस चैलेंजर डीप तक पहुंचने में सक्षम हो पाई है, ताकि समुद्र में दबे कई सवालों का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर्स डीप के बाद समुद्र की गहराई में क्या है, ये आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि समुद्र की इतनी गहराई में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में समुद्र की गहराई में पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की शुरुआत से भी पहले यहाँ जीने लायक वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से धरती पर हजारों सालों तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को धरती ने अपनी गहराई में सोख लिया, जहां कुछ पानी नदियां और कुछ झरनों में बदल गया और समुद्र में जाकर मिल गया। हजारों सालों तक बारिश के कारण धरती पर जमा हुआ वो पानी आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, जो करोड़ों साल पहले हजारों साल चली बारिश का पानी है, जहां कुछ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी मौजूद हो सकती है, जिन्हें शायद आपने कभी ना देखा हो। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन समुद्र में भी नदियां बहती हैं, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में भी पानी ही मौजूद है, जिसे कई वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्चेस से सही साबित किया है। वैज्ञानिक कई सालों से अपनी जिज्ञासाओं में डूबे हुए ये रिसर्च कर रहे थे कि आखिर समुद्र की गहराई में क्या मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले मेक्सिको के पास समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सेनोट एंजेलिटा रखा, जो समुद्र के नीचे 15 फीट नीचे बहती है, जो एक खारे पानी की नदी है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी एक बहुत बड़ी नदी की खोज की गई थी, जो लगभग 100 फीट समुद्र के नीचे बहती है। वैज्ञानिकों ने जब इन नदियों की खोज की तो उन्होंने इनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए कई रिसर्चेस की, जहां पता चला कि समुद्र के नीचे नदियों का होना पृथ्वी की गति, समुद्र की डेंसिटी और पृथ्वी का तापमान जिम्मेदार है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन पैदा होती है
और यही कंपन पानी को छोटी छोटी धाराओं में बदल देती है और फिर यही छोटी छोटी धाराएं एक बड़ी धारा का निर्माण करती है जिससे समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होता है। समुद्र के नीचे पृथ्वी की गति की वजह से बनी सबसे बड़ी नदी को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये नदी इतनी बड़ी है कि अगर धरती पर मौजूद सभी नदियों को मिला दिया जाए तब भी गल्फ नदी की धारा का आकार इन सबसे बड़ा होगा। इस नदी का आकार इतना बड़ा है कि इसकी बहती धाराओं को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसलिए जिस मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल बरसात हुई और उसका पानी धरती के अंदर जमा होता गया और वही पानी आज समुद्र में नदियों के रूप में बह रहा है। दोस्तों, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि हमारी पृथ्वी शुरू से ही कई सवाल अपने अंदर दबाए हुए हैं जिन्हें समझने का प्रयास इंसान कई सालों से कर रहा है, जिसमें इंसानों को कुछ सफलताएं भी हासिल हुई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में।